वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग्स पर। नया दिन, नई सुबह, और भाई मौसम हो गया यार थोड़ा ठंडा आजकल। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि यहाँ अपनी बाइक ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पार्सल करना चाहते हो, कोरियर करना चाहते हो, कुछ भी कह लो। सीधी बात एक बात है, अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट करना है कहीं पे, तो मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी GT ट्रांसपोर्ट करी है बेंगलोर, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता चल गया क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ अपनी मतलब कोई बाइक वगैरह ट्रांसपोर्ट कहीं करने का सोच रहे हो, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो पहले तो GT हमने भेज दी भाई, क्योंकि मेरा जो भाई है वो चला गया है बेंगलोर, और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मतलब उसको, क्योंकि बेंगलोर में थोड़ा सा एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है भाई ये सब। तो ये भी था कि कहीं जाना आना होता है तो बार बार कैब करो, ये करो, वो करो, तो इस चक्कर में ये था कि बाइक भेज दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने GT भेज दी है बेंगलोर, अपनी चली गई एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से गई है। तो सही तरीका है ये भेजने का, मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ आप लोग भेज सकते हो इससे। तो मैंने जो भेजे थे भाई, मैंने भेजी थी रेलवे से, जो कि काफ़ी ठीक ठाक लगा मुझे, मतलब हाँ मतलब चीप कह सकते हो कि चीप है, क्योंकि अगर वैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहे होगे आप किसी भी गाड़ी को, मतलब बाई ट्रक करवाओगे या और किसी कंपनी से करवाओगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट CC के हिसाब से, मतलब कितने CC गाड़ी है, कितना वेट है, उस चीज़ का मेज़र करते हैं, उसके हिसाब से कर देते हैं। तो मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि ट्रक से आ रहा था, खर्चा आ रहा था कि मतलब ट्रक से दिल्ली से बेंगलोर करवाने का खर्चा आ रहा था 18 से 19 हज़ार के बीच में, ठीक है। अगर लग रहा होगा ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो उनके प्राइस लिस्ट रहती हैं, तो उसमें लिखा रहता है कितने CC की बाइक कितना प्राइस आता है। तो 18 से 19 हज़ार करीब का उसका खर्चा आ रहा था ट्रक से ट्रांसपोर्ट करने का। तो और सेम वो भी 2 दिन के करीब ले लेता है ट्रक भी पहुँचाने के। तो भाई मैंने रेलवे से इसीलिए किया है क्योंकि उसमें क्या था, सस्ता पड़ रहा था और सेम डे पे जा रहा था। बट ट्रेन से करने से पहले ना भाई थोड़ा सा ना ये भी रख लेना मन में कि हाँ उसमें थोड़ी सिक्योरिटी नहीं होती, ये बात साफ़ है, थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज़ से थोड़ा सा वो रहता है। क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा है कि मतलब बाइक बहुत अच्छे से पहुँच जाती है, कई लोगों का ये होता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब या तो स्क्रैच आ जाएगा कहीं ना कहीं, या कुछ हो सकता है डेंट वगैरह कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मैंने पता, मैं सीधा प्रोसेस पता पे आता हूँ, फिर बताता हूँ उसके बाद सारी बातें कि आपको क्या क्या करना है। तो भाई हमें दिल्ली से बेंगलोर भेजनी थी, तो आप भेज सकते हो कहीं भी इंडिया के अंदर बाय ट्रेन अपनी बाइक को, या कुछ भी भेज सकते हो पार्सल। तो मेन क्या है, आपको ना उस स्टेशन, आप किसी भी स्टेशन से भेज सकते हो जहाँ से आपको लगता है कि इस स्टेशन से मेरी जहाँ भेजना है वहाँ तक ट्रेन जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ से भेज सकते हो। जैसे मैं दिल्ली से बेंगलोर भेज रहा था, तो मेरे को पता है बेंगलोर के लिए निज़ामुद्दीन से ट्रेन जाती है, नई दिल्ली से भी जाती होगी, बट मैं नई दिल्ली गया नहीं, बस साफ है साफ है, क्योंकि मेरे को निज़ामुद्दीन पास पड़ता था तो मैं निज़ामुद्दीन चला गया। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना होता जाके, आजकल सारे मतलब सरकारी कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो मतलब ये सब करती हैं रेलवे में, वहाँ पर जाके बैठे होते हैं उनके खुद के ही मतलब बंदे जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, और वो खुद ही आपको बोलेंगे भी करवाना है नहीं करवाना, क्योंकि उनको कमीशन या जो भी उनका परसेंटेज होता है वो मिलता है उस पर एक तरीके से, वो हाँ कह सकते हो कि वो उनका कमीशन बेस ही होता है, वो सब चलता है। तो वहाँ पे जाके उनसे बात करोगे ना, तो वो खुद बता देंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर, और मैं बताता हूँ मोटा मोटा क्या होता है। मोटा मोटा ये होता है कि आपको वो एक टिकट ख़रीदनी होती है, जो एक ट्रैवल टिकट होती है, इसमें नॉर्मल हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, उसी टिकट पे जाती है बाइक भी,
तो वो टिकट कटती है, और उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो वेटिंग टिकट है या कौन सा टिकट है, कोई नहीं, बस एक टिकट होना चाहिए आपके पास आपकी गाड़ी का। वो भी वो खुद अरेंज कर देते हैं, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे बोलोगे वो खुद ही ला के दे देते हैं। उसमें मतलब जो भी है 150-150 रुपये एक्स्ट्रा लगते होंगे हद, क्योंकि वो बाहर से करवाते हैं, वो भी एजेंट के थ्रू, खुद नहीं करते वो क्योंकि तत्काल टिकट वेटिंग टिकट से, क्योंकि मेरा सीन ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी भेजनी थी, तो मैंने क्या किया था, मैं जैसे आज गया तो मैंने आज के आज ही सब कुछ किया, ये सारा काम मैं उस केस में बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। मैं गया उसके पास, उसने अपना टिकट बुक करवाई बाहर एजेंट से, उसके मेरे शायद 950 रुपये थे बैंगलोर तक के, यहाँ से बैंगलोर तक के 950 रुपये टिकट थे, और उसमें वो वेटिंग टिकट जो भी है वो वेटिंग टिकट था वो, और वेटिंग टिकट से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम नहीं जा रहे, गाड़ी जा रही है, तो उसका अलग ही सब कुछ होता है। उनको बस एक टिकट चाहिए होती है वैलिड कि हाँ इस बंदे ने टिकट परचेस कर रखी है, वो टिकट होती है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी वही करके देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस बैठ जाना आराम से, कहता रहूँ। बहुत सिंपल सा काम था ये, एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो ट्रैकिंग नंबर वगैरह जो भी है उसको कुछ और बोलते हैं, अब मेरे को वर्ड उसमें एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उस वर्ड को, वो सब बना बुनू के दे देता है, जिससे आपकी गाड़ी मतलब ट्रैक होती है कि हाँ गाड़ी कहाँ पहुँची है, क्या है, उस स्टेटस वगैरह जानने के लिए वही नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अब मुझे ऐसे याद भी नहीं आएगा, जो भी है मैं बता दे रहा हूँ। वो आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिल जाएगी, टिकट हो गई आपके पास, और एक रिसिप्ट होती है, एक या दो रिसिप्ट होती है, दो रिसिप्ट होती है, वो आपको वही दे देते हैं खुद, वो होते हैं मेन पेपर, टिकट और एक जो आपको उन्होंने प्रोवाइड किया बुकिंग होने के बाद सब कुछ, वो देते हैं पेपर। सेकंड आपको चाहिए होता है एक आधार कार्ड, आधार कार्ड ही चलेगा, ये बात भी साफ है, वो कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लेता, जैसे आप सोचो ना कि आईडी के अंदर वोटर आईडी कार्ड ले लो या कुछ और ले लो, वो नहीं लेते भाई, वो आधार कार्ड ही लेते हैं, बस कहते हैं आधार कार्ड ही चलता है, आधार कार्ड और एक आरसी, इसकी कॉपी देनी पड़ती है उन्हें, और जल्दी क्या देखते हैं, वो खाली कॉपी ले लेते हैं कि लाओ कॉपी दे दो हमें, वो खुद जल्दीबाजी में होते हैं, हालांकि बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं बट वो देखते नहीं ओरिजिनल वगैरह, कॉपी ले लेंगे तुमसे एक आरसी की और एक उसकी आधार कार्ड की, आधार कार्ड उस बंदे का, या तो आप खुद जा रहे हो ठीक है तो आप अपना ही आधार कार्ड लगा लो, क्योंकि मतलब आप अगर आपको रिसीविंग खुद करनी है गाड़ी वहाँ पर जाके तो आप अपना आधार कार्ड दे दो, नहीं तो जिस बंदे को रिसीविंग लेनी है वहाँ पर जो रिसीव करेगा आपकी दूसरे स्टेशन पर जहाँ भी पहुँचानी है उसके एक आधार कार्ड की कॉपी लगा दो और उसी की डिटेल फिल कर दो, फ़ोन नंबर वगैरह उसी पर डाल, ताकि उसको स्टेटस दिखता रहे। फ़ोन नंबर, आधार और एक आरसी की कॉपी लगती है, वो अपना ले जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बना बनू के, फिर उसी के हिसाब से खुद अपना फॉर्म वगैरह जो भी होता है ना खुद ही फिल भी करते हैं, कोई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती फिल करने की, वो खुद ही फॉर्म फिल कर देगा, टिकट भी खुद कटवा लाएगा, हर चीज़ खुद करके ले आएगा। ये तो चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा बाइक के साथ करवाना है पैक, तो आप वो भिजवा सकते हैं, जैसे हेलमेट है चला जाता है कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने उसको बोला था हेलमेट भेजने के लिए, तो उसने हेलमेट भी ऐड कर दिया था उसी में, मतलब बाइक के ऊपर ही सीट पे पैक करके अच्छे से डाल दिया था। सेकंड चीज़ है चाबी वाबी भी कुछ मत दो, चाबी वगैरह अपने पास रखो, देने को दे सकते हो ऐसा कुछ नहीं, वो क्या करते हैं चाबी को ना बाइक में कहीं फंसा देते हैं, बाइक जैसे आप पार्सल करोगे ना वो करेंगे ना तो उसी में कहीं पर कहीं भी डाल देंगे, टू किसी भी लटका देंगे कहीं पर, ऐसा कर देते हैं वो चाबी को, फिर वो जो उसको भेज रहे हो उसको बता दोगे कि तुम भाई मैंने चाबी यहाँ लगाई वहाँ से निकाल लियो, ऐसा कर सकते हो। बट मेरे को चीज़ ठीक नहीं लगी थी, और मेरे केस में ऐसा कुछ था भी नहीं कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़े, क्योंकि मुझे और डॉक्यूमेंट्स भी भेजने थे वहाँ पे, तो मैंने चाबी वगैरह कुछ नहीं भेजी थी, खाली बाइक भेजी थी और हेलमेट दे दिया था उसी बाइक पर रखवा के आराम से चला गया था। और भाई पेट्रोल का आता है सीन, ये बता रहा हूँ पहले का सीन, पेट्रोल अपनी गाड़ी में उतना ही रखना जितना स्टेशन तक पहुँच जाए बस, उससे ज़्यादा मत रखना भाई वरना वो वेस्टेज आएगा, और वो उसका वेस्टेज कैसे होगा बताता हूँ। देखो वो पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जितना पेट्रोल निकला वो हमारा है, मतलब वो देने के मूड में नहीं होते एक्चुअल में, ये है फंडा। तो मेरे में क्या था ना, मेरी जी टी में 5 लीटर पेट्रोल मैंने कमी कर रखा था उसके अंदर, कि हाँ डलवाया नहीं था बट एंड में भी उसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल था, उन्होंने निकाल एग्जैक्ट 5 लीटर पेट्रोल था, बिस्लेरी का वो बोतल आता है ना छोटा वाला जिसमें हैंडल होता है, वो पूरा भर गया था 5 लीटर उसके अंदर। तो अब वो ये सोच रहे थे कि पेट्रोल हम रखेंगे, तो मैंने उससे पहले कहते भाई पेट्रोल मैं लेके जाऊंगा, ये 500 रुपये का पेट्रोल है, अगर 1-2 लीटर तो बल्कि मैं छोड़ ही देता, 5 लीटर पेट्रोल वही पावर का कौन छोड़ेगा, मैंने कहा नहीं। तो खैर वो बाद की बात है, फिर मैं आया, उन्होंने गाड़ी वाड़ी के पेपर वेपर तैयार कर लिए, आप वहाँ पे पैकिंग साहब ने करवा सकते हो बैठ के, पैकिंग जो होती है पैकिंग करवा सकते हो अपनी तरीके से, अच्छे से जो करवाना वो करवा लो पैकिंग में, हालांकि वो थोड़ा
करते हैं जल्दबाजी में सीन को, क्या होता है पैक कर भागो, वही होता है कि पैकिंग करने वाले दूसरे बंदे होते हैं, वो खुद बुलाते हैं कोई लोग। तो भाई मेरे हिसाब से देखो, पैकिंग जब भी करवाओ ना अपने सामने करवाना पहली बात, सेकंड चीज़ पैकिंग करवाते टाइम बबल रैप हो सके ना उनके पास मिल जाते हैं, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं होते बबल रैप जितने हमें चाहिए होते हैं। सबसे मेन चीज़ है बबल रैप, भाई बबल रैप अपने खुद ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 रुपये का ले लो अलग से, साला 300-400 का भी लगता है, 10 रुपये मीटर मिल जाता है बाहर से, तो अपना बबल रैप वगैरह ले लो और उसको अच्छे से अपने जो मेन मेन बॉडी पार्ट है बाइक के, जैसे टैंक हो गया, और अगर वैसी बाइक है स्पोर्ट्स बाइक वगैरह तो उनके मीटर वगैरह पे अच्छे से उसको रैप कर दो, अच्छे से मतलब अच्छे से, क्योंकि भाई पैकिंग तुम्हारे सामने होगी, उसके बाद लोडिंग अपलोडिंग कैसे होगी, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी वो तुम्हें नहीं पता, मैं अपलोडिंग बोल रहा हूँ, क्या करें आईटी वाले हैं ना, निकल जाता है, तो वो पैकिंग वगैरह अपने हिसाब से कर लो, अच्छे से सामने हो, और जितना अच्छे से करोगे तुम्हारा बेनिफिट है भाई, पहले कह रहा हूँ मैं। तो बबल रैप हो सके ना तो खुद ही ले जाओ, और उसको पैक करते टाइम बोल दो भाई लगा दे, क्या जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारी सेफ्टी रहेगी, कम से कम 200-300 बबल रैप खर्च करोगे, कम से कम ये तो है कि आगे तुम्हारी बाइक सेफ से पहुंच जाएगी, वरना पता चला 200-300 के चक्कर में टैंक पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो वो ज़्यादा बेकार रहता है। तो मेरी मान तो बबल रैप ले लेना पहले ही, और पैकिंग के टाइम उसको पढ़ा देना, बोला भाई इसको लगा दे अच्छे से, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भाई उनकी पैकिंग करने का तरीका बहुत अलग होता है, वो क्या करते हैं जो वो नहीं होता, क्या कहते हैं अब पता नहीं, ये समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, वो जो क्या बोलते हैं धान के वो नहीं होते, पैरा बोलते हैं उसको वैसे, और बहुत से लोग उसको, हाँ पैरा ही बोलते हैं उसको मोस्टली लोग, तो उसको लेते हैं जो फ्रूट्स की टोकरी में निकलती है यार घास सी, वो बेसिकली वो होती है, वो घास लेते हैं और बोरी होती हैं उनको, उन्हीं से पूरा वो पैक करते हैं उसको, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से बहुत ज़्यादा अच्छी पैकिंग होती है, क्योंकि यार वो तो लेयर से बिछा दी, उससे क्या फ़ायदा, तो कुछ दबेगा भम पिचक जाएगा, अगर कुछ लग गया उस पर दब गया कुछ, या गलती से कहीं बाइक इधर उधर टकरा, मतलब बाइक से बाइक टकरा के गाड़ी के अंदर जो कोच के अंदर या कुछ इधर उधर रखा है वो गिर जाए, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई बबल रैप ले जाना, उससे पैक करवा के अच्छे से फिट करवा के टैंक करवा लेना। और अब तो देखो मेरे केस में ये था, हो सकता है आपके केस में सेम डे आपके सामने उसको लोड भी कर दिया जाए, अगर सेम डे की आपकी ट्रेन है, मतलब उसी ट्रेन में आपको जाना है, उसी ट्रेन की आपकी टिकट है, तो हो सकता है आप सामने देख सको खड़े होकर कि कैसे चढ़ा रहे हैं कैसे चढ़वा रहे हैं, आप उसको गाइड कर सकते हो भाई प्यास उठाइए सब, हालांकि वो फुल तसल्ली देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी हम अच्छे से करेंगे, और बट तुम्हारे सामने हो सकता है, वरना मेरे सामने तो ये केस था कि भाई आज अगर मैंने बुकिंग करी है तो उसका नंबर कल नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि रेगुलर ट्रेन भी नहीं होती बैंगलोर की, तो उसमें क्या जो भी था तो नेक्स्ट डे पंगा था, तो मैंने उसको पैकिंग अपनी करवा दी थी अच्छे से, और उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह मेरी बाइक निकाल भी दी थी यहाँ से मॉर्निंग में 8 बजे, तो उसका मैसेज भी आ जाता है उस टाइम पर जब वो लोड होती है ना ट्रेन पर चढ़ जाती है बाइक, तो उसका मैसेज भी आ जाता है, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद भी मैसेज आता है कि हाँ भाई आपकी बाइक पहुँच चुकी है, वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, सब चलता रहता है उनको ऑनलाइन कुरियर में, इसको निकले पहले बहुत तेज आवाज़ कर रही इसकी बाइक, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल आराम से पैक वैक करवा के भाई भेजना, ऐसे नहीं कि हाँ उनका काम है आएंगे पैक करेंगे ले जाएंगे, ना अपने सामने करवाओ भाई, मैंने जहाँ से करवाया था ये बंदे बहुत ठीक बंदे थे, सही बताऊँ तो अगर आपकी ट्रेन बैंगलोर साइड जानी है ना, मतलब बैंगलोर साइड मतलब निज़ामुद्दीन साहब की ट्रेन है, तो भाई दरी से करवा लेना, और अगर किसी को हो ज़रूरत तो बता देना, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ या उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा कमेंट वगैरह में, अगर चाहिए हो तो, वैसे नहीं डालूँगा भाई क्यों किसी का नंबर करना, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना मैं डाल दूँगा नंबर, बात बात कर सकते हो, ये भाई बहुत सही से इनको जैसा मैंने बोला था ना इन्होंने बिल्कुल वैसे भेजी गाड़ी, और मेरी गाड़ी एकदम साफ़ सुथरा एकदम बेहतरीन मतलब गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें, बल्कि मेरे कोई जान पहचान में दो बाइक ऐसी सही गई थी, उनमें तो एक बाइक का टैंक पे डेंट आ गया था,
एक सही गई थी। भारी बाइकों में मैंने मोस्टली देखा है कि उनमें नहीं आता, जो छोटी मोटी बाइक होती है ना उनमें दिक्कत आती है। एक के बंदे ने बुलेट भेजी थी, कुछ नहीं हुआ, एकदम बेहतरीन गई थी। एक बंदे की मेरे दोस्त की पल्सर गई थी, उसकी टैंक पे पिचक गया था। और एक बंदे ने और भेजी थी, उसकी भी टैंक पे हल्का सा डेंट आ गया, हल्का आया उसमें ज़्यादा नहीं था, हल्का डेंट आ गया था। नॉर्मल बाइक थी उसकी, स्प्लेंडर। तो भारी बाइक का सीन है पता नहीं क्या है भाई, उन पर तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि हाँ आता है। जो नॉर्मल बाइक को मैंने देखा कि आ जाता है, तो इसलिए टाइम वगैरह के टाइम पे ना थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, अच्छे से पैकिंग वैकिंग करवा लेना। उसके बाद पेट्रोल का सीन आते हैं भाई, पेट्रोल अपनी बाइक में उतना ही रखना जितना तुम पेट्रोल पंप तक जा सको, क्योंकि क्या होता है वो सब लोग वो सोचते हैं ना जो पेट्रोल बाइक का बचा वो हम रख ले, कस्टमर ना ले जाए। क्योंकि मैं भी अपनी एक ही बाइक पर गया था, जिस बाइक पर गया था उसी पर गया था, तो मेरा क्या हुआ पेट्रोल निकला, तो कहता है पेट्रोल लेके आप बाहर जा सकते, पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि बात सच है, पेट्रोल बाहर बाइक खुले में लेके नहीं जा सकते, वरना खुद के पंगे पड़ जाएंगे वो, और वो गलत भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, बट मैंने ये कर दिया था, मैंने कहा भाई छोड़ दे वो, मेरी टेंशन है मैं कैसे भी ले जाऊँगा। तो मैंने वहीं से उसी बोतल को एक पैक कर लिया था थैले में, और उसको फिर ऑटो में आया था, तो ऑटो में घुमा के मैं निकल आया। तो बट हाँ, पेट्रोल कम लेके जाना, क्योंकि हमारे क्लेश पालना वहाँ पर जाके नौटंकी हो या तुम्हें कोई पकड़ ले रास्ते में कि पेट्रोल लेके कहाँ जा रहा है ये वो, तो कम ही लेके जाना पेट्रोल, ये अच्छा रहेगा। या फिर दो बाइक से जाओ वहाँ पे, जाके जितना निकला फिर दूसरी बाइक पर डालो अपना, ऐसा कर सकते हो। तो भाई ये बहुत इजी प्रोसेस है ट्रेन से भेजने का। तो मेरा बेंगलोर मैंने भेजा था, तो भाई बेंगलोर काफ़ी दूर भी है, तो बेंगलोर तक का मेरा टोटल खर्चा आया था 6500 रुपये, जिसमें इंक्लूडिंग उन्होंने सब कुछ किया था, मेरे को कुछ नहीं करना था, बस मेरे को जाना था वहाँ पे अपना वही डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। उसमें उन्होंने मेरे से मतलब उन्होंने टिकट भी करके दी, पैकिंग भी करके दी, लोडिंग वोडिंग जो सब कुछ होता है, वो तो लोडिंग तो खैर उनका पार्ट ही है, मतलब टिकट विकट सब कुछ उन्होंने करके दिया। 6500 रुपये लिए थे मेरे से, और किस्मत से मेरी बाइक भाई बहुत सही पहुंच गई थी, उसमें एक मतलब सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। और एक चीज़ और है वहाँ पे ना, एक सीन और होता है, ये जिसको मैंने भेजा था उसको बता रहा हूँ, उसने मेरा फ़ायदा क्या हुआ, इनसे भेजने का फ़ायदा ये हुआ कि इनके अंदर भी ना कैटेगरी होती है, जैसे 350 की बाइक है तो उसका इतना टिकट है, उतना मतलब खर्चा होता है, 650 का और ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी सेम सीन होता है, बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेरी बाइक को ना 350 cc में की कैटेगरी में डाल दिया था कि 350 cc की बाइक है। उन्होंने मेंशन ही नहीं किया उसको, उसमें सीधा लिख दिया रॉयल इनफील्ड और बुलेट लिख दिया ऐसे, मतलब जो डॉक्यूमेंट पेपर था उस पर लिख दिया रॉयल इनफील्ड बुलेट। तो खोल के कौन चेक करता है, क्योंकि पैक हो चुकी है बाइक और इतना मॉडल वॉडल की कहाँ लोगों को इतना पता होता है, हर बंदे को थोड़ा पता है कौन सा मॉडल है क्या है, वो सब करके भेज दिया था। तो वहाँ भी थोड़े बहुत मेरे पैसे बच गए थे, अगर वो एग्जैक्ट सही सही चीज़ें लिख देते ना कि हाँ मतलब 650 cc है ये है वो, तो हो सकता है शायद वहाँ पे और ज़्यादा पैसे लगते मेरे। तो उन्होंने वो चीज़ वो नहीं करी थी, उन्होंने खुद बोला था, कह रहे नहीं भाई इसको 350 में डालो वरना और बढ़ जाएगा, वो उन्होंने खुद बोला था मेरे से, मैंने कुछ नहीं ऐसा सजेस्ट किया था, उन्होंने सामने से ही ऐसे कर दिया था। तो मतलब वो भाई बंदा बहुत सही है, और भेजने से पहले मैंने उनको खुद बोला था, मैंने कहा भाई लोडिंग वगैरह अपने सामने करवाना, तो उन्होंने मुझे फुल बोला था कि भाई टेंशन मत लो आराम से पहुंचेगी, हम बहुत बढ़िया से पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैं संडे को छोड़ के आया था, मंडे जानी थी, तो मंडे मेरी बाइक नहीं निकली थी, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे को तो मैसेज वगैरह नहीं आया, तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि भाई ऐसा है कि 4 दिन पहले की गाड़ियाँ कुछ मतलब कुछ कोरियर वगैरह रुके पड़े, तो हम उनको आज भेज रहे हैं, तुम्हारी बाइक को नेक्स्ट डे भेज देंगे, और परेशान मत हो, हमने तुम सेफ जगह खड़ी कर रखी है, कोई टच टुच नहीं करेगा, हमारे सामने रहती है गाड़ियाँ। तो मतलब वो बंदा सामने से मतलब इतना वो भी कर रहे थे कि हाँ मतलब पूरा दिलासा दे रहे थे कि हाँ तुम्हारी बाइक को कोई नहीं होगा, एक दिन लेट जाएगी कोई बात नहीं, बट हमने सेफ्टी से खड़ी कर रखी है, कोई छेड़छाड़ी कोई नहीं कर रहा इनके साथ। और वो सच में है इतना, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खुद था ना सामने, और किसी ने अगर जैसे पैक गाड़ियाँ खड़ी थी और उसके आगे कोई दूसरी गाड़ी खड़ी कर दे रहा था लाके, जैसे वो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे चलती रहती हैं कुरियर वालों की गाड़ियाँ, वो उनको तुरंत हटावा दे रहा था, अगर भाई यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, यहाँ से हटाओ, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, मतलब वो उनको एक तरीके से मना कर रहा था कि यहाँ मत गाड़ी खड़ा करो, यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, और ये महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों की, किसी पे स्क्रैच स्क्रैच आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, उनको भगा रहे था वो, मतलब खड़ी तक नहीं उन देर थे, मतलब कितनी सेफ्टी से कर रहे थे वो गाड़ी वाड़ी खड़ी वहाँ पे। तो भाई यही था जो मैंने तो बता दिया कि क्या प्रोसीजर है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, कुछ वो नहीं है कि हाँ टिकट विकट का, पहले मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार कहीं भसड़ ना हो, बड़े मतलब ड्रामे ना हो जाए साले ये कि कैसे जाए ये वो,
तो बहुत स्मूथ था। और सबसे बड़ी बात कि भाई निज़ामुद्दीन वाला बता रहा हूँ, हालांकि सब में ही होता होगा बट मैं वहाँ पे गया तो मैं वहाँ बता दे रहा हूँ, ये ना 24/7 होते हैं, ये कहीं भी चले जाओ 24/7 सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइम जाके अपना कोरियर करवा सकते हो। ये नहीं है कि हाँ मुझे कोई टाइमिंग है, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, किसी भी टाइम जाओ दिन में रात में अपना वहाँ पे दो बाइक पहुँच जाएगी। डिपेंड करता है कि हाँ तुम्हारी ट्रेन कब जाती है, बस जैसे आज ट्रेन जाती तो आज बुक कर दो कल निकल जाएगी सेम डे पे सेम टाइम पे। उनका कुछ होता है पंगा, जैसे आज लिस्ट में नाम आना होता है तो वो मेरे से ये कहते हैं कि आज मैं अगर करूँगा ना तो तुम्हारा कल वाली लिस्ट में नाम आएगा, कल जाएगा तुम्हारा, कोई नहीं अब करनी तो करनी है। बट हाँ उन्होंने सेफ्टी से खड़ी कर रखी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, बढ़िया करके पहुँचा दी, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे भी। तो अगर आपको भी ट्रांसपोर्ट करवानी हो तो भाई आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बस जो मैंने बताया ना कि बबल रैप वगैरह थोड़ा सा अच्छे से पैकिंग के टाइम पे बस उसका ध्यान रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, भी तो कहीं भी डाल दो। क्योंकि कई यार कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है वो, क्योंकि जो कुरियर वाले वो होते हैं कोच होते हैं, उसमें ना और भी सामान होते हैं बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बाइक खाली सिर्फ बाइक बाइक जाएगी, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, और बाइक होती हैं या कुछ और भी सामान होते हैं। तो दूसरे सामान की वजह से ना कई बार क्या होता है कुछ ना कुछ लग गया टकरा गया तो वो स्क्रैच या कुछ कर देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बबल रैप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए लगाना सही रहता है ना, ज़रूरी नहीं है कि बबल रैप से बच जाएगा, और मोस्टली बबल रैप से भाई बहुत कुछ बच जाता है। मैं 2-3 चीज़ें कुरियर करी थी, बहुत सही रहता है बबल रैप, अच्छे से मोटी लेयर कर दो एक थोड़ी सी मेन पार्ट पे पहुँच जाएगा। हालांकि वो उठाते नीचे चेचिस वगैरह पकड़ के उठाते बाइकों को वैसे नहीं उठाते, और वो उठाते हैं कोई उससे नहीं करते कि हाँ कोई फ्लोर बना रखा होगा उस पर चढ़ा के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो हाथ से उठाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता, ये भी क्लियर है। तो मैं भी शुरू में डर रहा था, मैंने कहा यार कहीं ये कोई ऐसा ना मिर्गाट पकड़ दें या सीट वीट पकड़ दें सब उखड़ के हाथ में आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो भी नॉलेजेबल बंदे होते हैं, उनको भी सालों का पता होता है सब कुछ कैसे करना कैसे नहीं करना, बहुत ईजी है ये चीज़। तो अगर आपको भी ट्रांसपोर्ट करवानी हो तो भाई तो स्टेशन से पता कर लो कौन से स्टेशन से तुम्हारे स्टेशन तक जाती है, कर सकते हो बहुत आराम से। एक प्रोसेस बताते बताते मैं भी आज ऑफिस बड़ी जल्दी आ गया, मुझे पता नहीं चला, हालांकि मैं आया जल्दी नहीं बट पता नहीं चला मुझे ऑफिस, तो हम भी पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस। भाई वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है, ये दो काम कर दिया करो यार, ये ज़रूरी होते हैं मेरे लिए, आप लोग ये कर दो तो मेरा काम बन जाए। फाइनली हम भी अपने ऑफिस पहुंच ही चुके हैं, बस अब तो खैर ऑलमोस्ट क्या पहुंच ही गए हैं, सामने ऑफिस आ गया। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो का एंड ही कर देते हैं यहीं पे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों से मिलूँगा बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.